और इंसान मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो। ओम शांति। आज है 31 जनवरी 2024 के प्यारे बाप दादा के ईश्वरीय मधुर महावाक्य। कुछ दिन पहले भी बाबा ने टावर की स्मृति दिलाई थी, आज फिर बाबा ने स्मृति दिलाई कि अनेक प्रकार के टावर होते हैं। यहाँ फिर है शांति और सुख का टावर, मूल वतन है शांति का टावर, जहाँ आत्माएं रहती हैं, उनको कहेंगे टावर ऑफ साइलेंस। फिर सतयुग है टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। टीचर हो तो ऐसा, वह शिव बाबा है फिर टावर ऑफ नॉलेज, तुमको भी शांति और सुख के टावर में ले जाते हैं। फिर कहा पवित्रता सुख शांति का वर्षा तुम अभी इस समय ही पाते हो, बलिहारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की है, इनको ही कल्याणकारी युग कहा जाता है। फिर कहा आत्मा सबसे पहले सतोप्रधान होती है सतयुग में, फिर धीरे धीरे बैटरी खलास हो जाती है, अब संगम पर बैटरी चार्ज होती है और चार्ज होती है मन मनाभाव से। बाप है सर्वशक्तिमान, उनको याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और फिर आत्मा की बैटरी भर जाएंगी, सतोप्रधान बन जाएंगे। और कहा अभी तुम फील कर रहे हो हमारी बैटरी भरती जा रही है। फिर कहा तुम बच्चों का खुशी का पारा सदा चढ़ा रहना चाहिए, क्योंकि अभी हमें बाप से स्कॉलरशिप मिलती है तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा टीचर तुम्हें पढ़ाकर आप समान टीचर बनाते हैं, ऐसे नहीं गुरु बनाते हैं, नहीं तुम बच्चों को टीचर बनाते हैं। और लास्ट में ड्रामा का पाठ पक्का कराते हुए कहा कि दुनिया में कुछ भी बात हो जाती है तो मनुष्य कह देते हैं ईश्वर की इच्छा, तुम बच्चे ऐसा नहीं कहेंगे, तुम तो कहते हो ड्रामा की भावी है। और कहा अब बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो पिछाड़ी में कुछ भी याद न आए, अपने को आत्मा समझो, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अनमोल मधुर महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे मीठे बच्चे तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है, इसलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ, पुराने को परिवर्तन करो। मीठे बच्चे तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है, इसलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ, पुराने को परिवर्तन करो। आज मुरली से प्रश्न है, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे उसकी युक्ति क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो, विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है। जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वह दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं, उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिमान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है। आज मुरली में गीत बजा, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो, टीचर बन औरों को राजयोग सिखाओ, गाइड बन सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो। दूसरा, सर्वशक्तिमान बाप की याद से अपनी बैटरी चार्ज करनी है, बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी काम की चोट नहीं खानी है। आज बाबा ने वरदान दिया सेवा भाव से संपन्न बन, हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा भाव से संपन्न बन, हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, सच्चा सेवाधारी वह है जो हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना रखता है, वह सिर्फ स्पीच नहीं करता लेकिन सेवा भाव द्वारा सर्व के प्रति खुशी की भावना, शक्तियों के प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रख सहयोग की अनुभूति कराता है। सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना यही सच्ची सेवा है, ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है।
बाबा ने कितनी गुह्य और सूक्ष्म सेवा के लिए बताया कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखना, सर्व आत्माओं के प्रति खुशी की भावना रखना, सर्व आत्माओं को शक्तियों की प्राप्ति कराना, सर्व आत्माओं को उमंग उत्साह दिलाना, सहयोग की भावना रखना, अनुभूति कराना, यही सच्ची सेवा है। आज का स्लोगन है, बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज का विशेष पुरुषार्थ है, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज बाबा ने कहा, जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा को सहज समझ सकेंगे। यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। आपकी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी डबल लाइट फरिश्ता जीवन। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे, तब न चाहते भी सभी की नज़र जाएंगी और जय जयकार का नारा लगेगा। बाबा कहते हैं, जब आपकी ऐसी अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस की स्थिति बन जाएंगी, उसका स्वरूप बन जाएंगे, तो अनेक आत्माओं की, नैनों की, भावनाओं की भाषा को समझ जाएंगे, संकल्पों की भाषा को भी समझ जाएंगे। यही योगी जीवन की भाषा व परिभाषा है। जब ऐसा स्वरूप सबको दिखाई देगा, तब जय जयकार का नारा लगेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।